और कैसे चल रही है, और सब लॉकडाउन है, काफ़ी मुश्किलात है लोगों के घरों में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर सबकी परेशानियों को दूर करे, आप सबको खुश रखे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, मेरे अंदाज़ से है ये। मेरे पास चिकन है बड़ी, ठीक है, मैंने 4 पीसेस ले ली हैं, ठीक है, ये मेरे पास चिकन है। और इसके बाद मैंने इस जो इसमें मेथड डालना है, जो जो मैंने डालना है, इसमें ज़ीरा है, इसमें गरम मसाला है, तेज़पत्ता, ये स्टिक है मेरे पास, और मेरे पास काली मिर्ची है साथ, ठीक है, और मेरे पास एक टमाटर, ठीक है, ये देख लें, ये मेरे पास टमाटर है, और मेरे पास जो चिकन पाउडर है जो मैं डालूँगी, ठीक है, मेरे पास चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून डाल, ये मैं चिकन भून रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना ये वाइट, तो मैं इसमें अब गरम मसाला डालूंगी, सही है। अब हम इसमें सारा गरम मसाला डाल देंगे, ये जो मेरे पास थी, ठीक है, ये मेरे पास जो मैंने आपको बताया था, सारा गरम मसाला इसमें डाल देंगे, और टमाटर नहीं डालेंगे, ठीक है। जब इसके क्लीन हो जाएगा और उसके बाद फिर हम टमाटर डाल देंगे। अब इसमें हम चिकन पाउडर डाल देंगे, चिकन पाउडर फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून। देखें ये हमारा यखनी पुलाव बन रहा है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला था वही आपके सामने जो डाला था मैंने इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी है, आपका ऑप्शन है कि इसमें दही डाल सकते हैं। मैंने गार्लिक पाउडर बस बस ऐड किया था, जो मैंने आपको उसको नहीं बताया था। बस ये यखनी बनेगी तो इसके अंदर हम चावल डालेंगे और फिर ऊपर से इसको जर्दे का रंग डालेंगे, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा। 5 मिनट के बाद फिर हम दोबारा आते हैं। देखें ये हमारा पुलाव तैयार है, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त यखनी पुलाव है। इसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज डाली है, आपकी मर्ज़ी है ऑप्शन कि आपने डालना है कि नहीं डालना। ये हमारा तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं बकरीद के हवाले से। और अभी इंशाल्लाह एक दो दिन में एक अरबी आएगी, चटपटा चखारेदार अरबी, जो किस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, मेरे स्टाइल की है, मेरी खुद की रेसिपीज़ है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इंशाल्लाह, ताकि आने वाले वक्तों पे आपको मेरी रेसिपी मिल सके, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा अगर किसी को कोई रेसिपीज़ चाहिए हो, कोई डिश की रेसिपी चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह वो रेसिपी यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूँगी, आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा कर दूँगी, ठीक है। चले अपना ख्याल रखिएगा, मुझको बेहद दुआ में याद रखिएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी आपको लगी। To all of you, take care. Allah Hafiz.